सभी विभागों में कार्यरत शासकीय कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार की मनमानी और नाकामी को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। डिंडोरी जिले में सभी विभागों और शासकीय कर्मचारी संगठन ने रैली निकालकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। इस दौरान सरकार की मनमानी और नाकामी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी संगठन ने अपनी 8 सूत्री मांगों के समर्थन में बताया कि देश में मध्य प्रदेश ही एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां शासकीय कर्मचारियों को पिछले 7 सालों से पदोन्नति का लाभ नहीं मिला है। प्रदेश में पुरानी पेंशन पर भी शासन ने मांगों के संबंध में कोई विचार नहीं किया है। इसी तरह प्रदेश के कर्मचारियों को नियमानुसार केंद्र के समान महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। संगठन कर्मचारियों ने ऐसी ही कुल 8 मांगों के समर्थन में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। क्रमोन्नतियां रुकी हुई है ना, 6 प्रमोशन मतलब प्रमोशन हमारा 6 साल से कम बंद हुआ है। ऐसी बहुत सारी मांगे हम ये चाहते हैं, हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा कार्यकर्ता जो भी है उनके रूप में हमने सोचा कि इनका मानदेय बढ़ाया जाए। जो अभी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग थे ये भी फील्ड वर्कर्स है, इनका वेतन और बहुत सेंसिटिव जॉब करते हैं लोग, इनका भी वेतनमान बहुत ही कम हुआ है। तो वो जो चाह रहे हैं जिस हिसाब से फील्ड वर्कर के वेतनमान है उनको भी उस वेतनमान के समतुल रखा जाए। जी क्या मांगे हैं हमारी संयुक्त मोर्चा की? प्रमुख रूप से तो OPS और कर्मचारियों की वेतन विसंगति, कर्मचारियों की विभिन्न लंबित मांगें जो विभिन्न अनेकों वर्षों से लंबित हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम संयुक्त मोर्चा के द्वारा, नर्सिंग एसोसिएशन भी इसमें शामिल है, सभी के द्वारा आज सभी संगठनों की एकजुटता दिखाई गई और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा। हमारी हड़ताल है, कल से चालू हो गई है, तो सरकार से यही मांगे हैं कि हमारी OPS लागू किया जाए। हमारी 10वीं जिसमें से सेकंड ग्रेड में आना है, पुरानी पेंशन लागू करना है, नाइट अलाउंस करना चाहिए और जो स्टूडेंट नर्सिंग 70-80% का लाके 100% देना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।